नमस्कार, मैं हुशवानी बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज 6 अक्टूबर, खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कैथी लिपि को बढ़ावा देगी बिहार सरकार। अब जमीन विवाद पर की गई कार्रवाई होगी सार्वजनिक। बिहार के अभय का इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम हुआ दर्ज। नल का जल उपलब्ध कराने में राष्ट्रीय औसत से आगे निकला बिहार। रोहित ने बताया क्यों टीम इंडिया बाकी टीमों से पहले जाएगी ऑस्ट्रेलिया। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पटना एम्स में जूनियर रेजिडेंट के लिए निकली भर्तियां। पटना एम्स में काम करने के इच्छुक युवाओं के लिए अच्छी खबर है। पटना एम्स में जूनियर रेजिडेंट के 30 पदों पर वैकेंसी निकली है। यह पद इंटरव्यू के माध्यम से भरे जाएंगे। इच्छुक अभ्यर्थी इससे जुड़ी तमाम जरूरी जानकारी के लिए पटना एम्स की आधिकारिक वेबसाइट www.aimspatna.edu.in पर जरूर विजिट करें। आवेदन करने की अंतिम तारीख 12 अक्टूबर है। आपको बताते चले कि जूनियर रेजिडेंट के 30 पदों में जनरल के लिए 13 सीटें, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 सीटें, शेड्यूल कास्ट के लिए 4 सीटें, शेड्यूल ट्राइब के लिए 2 सीटें और ओबीसी के लिए 8 सीटें हैं। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे संजय मिश्रा की। संजय मिश्रा भारतीय फिल्म अभिनेता जो कि हिंदी सिनेमा और टेलीविजन में अपने काम की वजह से जाने जाते हैं। वे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के छात्र रहे हैं और इसका अक्स उनमें अभिनय में भी देखने को मिलता है। उनके डायलॉग ढूंढू जस्ट चील और फिल्म 1-2-3 में उनकी कॉमिक टाइमिंग से उन्हें काफ़ी पहचान मिली। आज ही के दिन 6 अक्टूबर 1963 को बिहार की राजधानी पटना में उनका जन्म हुआ था। अमिताभ बच्चन के साथ मिरिंडा के विज्ञापन में आने से पहले संजय ने कई और विज्ञापनों और फिल्मों में छोटे रोल्स किए। उनकी पहली फिल्म थी ओ डार्लिंग ये है इंडिया, जिसमें उन्होंने हारमोनियम बजाने वाले की एक छोटी सी भूमिका अदा की थी। असत्य पर हुई सत्य की विजय, धू-धू कर जला रावण। बीते दिन विजयादशमी के मौके पर गांधी मैदान में हुए रावण दहन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित उप मुख्यमंत्री, कई नेता और गणमान्य पहुंचे। रावण दहन से पहले मुख्यमंत्री ने गांधी मैदान में भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता की आरती उतारी। इसके बाद इको फ्रेंडली आतिशबाजी कर रावण के पुतले में आग लगाई गई। मुख्य आकर्षण का केंद्र गांधी मैदान में बनने वाले सोने की लंका रही, जो 2 मंजिल की बनाई गई। उसे भव्य तरीके से सजाया गया। लंका के अंदर अशोक वाटिका का निर्माण किया गया था, जहां माता सीता को बैठाया गया था। वहीं एक हादसा होते होते बच गया। तेज हवा चलने के कारण जलने से पहले ही रावण पुतला नीचे गिर गया। गनीमत यह रही कि जहां पुतला गिरा वहां कोई नहीं था। तुरंत क्रेन को बुलाकर पुतले को वापस उठाया गया। बालू घाटों के बंदोबस्तधारियों के लिए खनन विभाग का नया नियम। मालूम हो कि बिहार के 16 जिलों में नदियों से बालू का खनन प्रारंभ कर दिया गया है, जहां सरकार ने पुराने बंदोबस्तधारियों को 3 महीने का अवधि विस्तार दिया है, जिन्हें बालू खनन का जिम्मा दिया गया है। वहीं इसके बाद बिहार सरकार ने इनके लिए एक नया नियम लागू किया है, जो कि इन्हें हर हाल में मानना होगा। दरअसल सरकार ने इन बंदोबस्तधारियों से कहा है कि जल्द से जल्द बालू के खनन और ढुलाई में प्रयुक्त होने वाली नावों पर GPS ट्रैकर लगाना होगा। वहीं खबर यह भी है कि पुराने बालू घाटों के बंदोबस्तधारियों को एक निश्चित क्षेत्र में खनन की अनुमति होगी। इस क्षेत्र से बाहर ठेकेदार खनन तो नहीं कर रहे हैं, इसकी मॉनिटरिंग के लिए नावों पर GPS लगाने पर सहमति बनी है। कैथी लिपि को बढ़ावा देगी बिहार सरकार। बिहार सरकार ने ऐतिहासिक कैथी लिपि को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। दरअसल बिहार सरकार के संस्कृति एवं युवा विभाग के अपर सचिव दीपक आनंद ने मीडिया को बताया कि विभिन्न भारतीय भाषाओं जैसे अंगिका, बज्जिका, अवधी, भोजपुरी, मगही, मैथिली और नागपुरी के लिए कैथी लिपि का उपयोग कानूनी, प्रशासनिक और निजी रिकॉर्ड लिखने के लिए किया जाता था। यही वजह है कि राज्य सरकार ने इस लिपि को संरक्षित करने का फैसला किया है। बता दें कि पुराने समय में कैथी लिपि का उपयोग उत्तरी और पूर्वी भारत में व्यापक तौर पर किया जाता था। इस क्षेत्र में व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली 3 लिपियों में कैथी को तटस्थ माना जाता था, क्योंकि इसका इस्तेमाल सभी समुदायों द्वारा किया जाता था। सिंदूर खेला के साथ की गई माँ दुर्गा की विदाई। 9 दिनों की नवरात्रि संपन्न होने के बाद बीते दिन दशहरे के मौके पर माँ दुर्गा की प्रतिमाओं की पूजन और आरती के बाद देर शाम प्रदेश के ज़्यादातर जगहों पर माँ की विदाई कर दी गई। राज्य के अलग अलग हिस्सों से प्रतिमा विसर्जन की तस्वीरें देखने को मिली, जहाँ महिलाओं ने आपस में सिंदूर की होली या सिंदूर खेला खेलकर माँ को विदा किया। वो चाहे राजधानी पटना हो या नवादा, लोगों ने मूर्तियों के भसान के बाद गंगा में आस्था की डुबकी लगाई, घाट का पूजन कर माँ दुर्गा से सुख समृद्धि, शांति, उन्नति का वरदान मांगा। हालांकि अभी भी कई जगहों पर मां अभी रहेंगी। हालांकि शुभ दिन को देखते हुए भक्त पूर्णिमा से ज्यादा दिन मां को रोक कर नहीं रख सकते, यानी कि पूर्णिमा तक सभी जगहों से मां की विदाई हो जाएगी।
सीताकुंड इस वजह से है बेहद खास। बिहार का मुंगेर जिला एक विशेष स्थान रखता है, जहां सीताकुंड नाम से मशहूर एक ऐसा दर्शनीय स्थल है जो श्रद्धालुओं के बीच बहुत सारे जिज्ञासा पैदा करती है। यह स्थान मुंगेर शहर से 4 मील पूर्व स्थित है। माना जाता है कि माता सीता ने यहीं अग्नि परीक्षा दी थी और अपनी पवित्रता सिद्ध की थी। धार्मिक मान्यता के अनुसार अग्नि परीक्षा स्थल पर ही सीताकुंड की उत्पत्ति हुई थी, जहां से आज भी गर्म जल प्रवाहित हो रहा है। विश्व विख्यात सीताकुंड से निकलने वाला गर्म जल आज भी अबूझ पहेली है, क्योंकि सीताकुंड के अलावा आसपास में ही राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के नाम पर भी 4 कुंड हैं। इन सभी का पानी ठंडा होता है। अब जमीन विवाद पर की गई कार्रवाई होगी सार्वजनिक। जमीन विवाद के मामले में अब जो भी कार्रवाई की जाएगी उसे अब सार्वजनिक किया जाएगा, ताकि इन मामलों में पारदर्शिता लाया जाए। जमीन विवाद को खत्म कराने के लिए अंचलाधिकारी और थानेदार ने कब कब क्या क्या कदम उठाए उसे भू समाधान पोर्टल पर जानकारी अपलोड की जाएगी। वहीं विवादित जमीनों की GIS मैपिंग कराई जाएगी, ताकि पदाधिकारी थाना, अंचल व जिलावार विवादित स्थल को ऑनलाइन देख पाए। इसको लेकर गृह विभाग ने भू समाधान पोर्टल को अपडेट कराने के निर्देश भी दिए हैं। भूमि विवाद कब दर्ज किया गया, समाधान के लिए किस स्तर पर कब बैठक हुई, बैठक में क्या निर्णय लिए गए, सभी पोर्टल पर उपलब्ध होंगे। दरभंगा एयरपोर्ट पर अब दिखेगी विश्व प्रसिद्ध मिथिला पेंटिंग। जल संसाधन विभाग की ओर से दरभंगा एयरपोर्ट पर विश्व प्रसिद्ध मिथिला पेंटिंग टाइल्स पर बनाई गई है। दरअसल जल संसाधन सह सूचना और जनसंपर्क विभाग के मंत्री संजय कुमार झा ने विभाग की ओर से टाइल्स पर कराई गई मिथिला पेंटिंग वर्क को देखा। साथ ही विभागीय अधिकारियों को विभिन्न बिंदुओं पर जरूरी निर्देश दिए। निरीक्षण के बाद निरीक्षण व मिथिला पेंटिंग वर्क से संबंधित तस्वीरों को अपने ट्विटर हैंडल से उन्होंने साझा किया। उन्होंने साझा करते हुए लिखा कि मुझे विश्वास है कि मिथिलावासियों को दरभंगा एयरपोर्ट पर मिथिला पेंटिंग वर्क देखकर निश्चित रूप से खुशी होगी। बिहार के अभय का इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम हुआ दर्ज। बिहार में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। आए दिन बिहार के कोने कोने से नए प्रतिभावान युवा और बच्चे निकलकर सामने आते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर बिहार का नाम रोशन करते हैं। इसी कड़ी में 1 लाख कैलेंडर वर्ष का प्रश्न मिलते ही सेकेंडों में जवाब देने पर वैशाली जिले के देसरी प्रखंड क्षेत्र के गाजीपुर के अभय कुमार ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। बता दें कि अभय कुमार को गूगल से ज़्यादा वर्षों के कैलेंडर याद रखने पर बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के मुख्य संपादक डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से नवाजा है। बता दें कि 4 मिनट में अभय ने 23 विभिन्न तिथियों के प्रश्न का जवाब दिया। यही नहीं, अभय ने मेमोरी तकनीक को छात्रों को सिखाने के लिए खुद का अपना एक ऐप एक्सपीरियंट जेट बनाया है, जो कक्षा 6 से लेकर UPSC समेत अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के विद्यार्थियों को लाभ पहुँचाएगा। अब लौट चला मॉनसून। बीते दिन बारिश ने दशहरा का मजा किरकिरा कर दिया। मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती परिसंचरण और निम्न दबाव के क्षेत्र के कारण लगभग पूरे मैदानी इलाके में वर्षा हो रही है। यही वजह है कि बिहार में दुर्गा पूजा जैसे खास मौके पर लगातार वर्षा हो रही है। इसके चलते कई जिलों में मेले का मजा किरकिरा हो गया। विजयादशमी के दिन भी बिहार को वर्षा से राहत नहीं मिली। वहीं अब दिन की लंबाई घटने लगी है, साथ ही रातें लंबी होने लगी हैं। शरद ऋतु का एहसास भी होने लगा है। इसी तरह धीरे धीरे गर्मी का एहसास खत्म होता जाएगा और ठंड बढ़ेगी। आज हड़ताल पर रहेंगे बिहार के डॉक्टर्स। अपने 11 सूत्री मांगों को लेकर बिहार के सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर आज धरना प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान सूबे के सरकारी अस्पतालों में OPD व्यवस्था ठप रहेगी, हालांकि इमरजेंसी इलाज की सुविधा बहाल रहेंगी। दरअसल बिहार स्वास्थ्य संघ ने 11 सूत्री मांग की है। संघ ने बायोमेट्रिक अटेंडेंस लागू करने का विरोध किया है। बिहार स्वास्थ्य संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि सरकार अगर मांगों को जल्द से जल्द नहीं मानती है तो सूबे के डॉक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। वहीं बिहार स्वास्थ्य संघ ने बताया कि बीते दिनों की गई हड़ताल में सरकार ने मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। नल का जल उपलब्ध कराने में राष्ट्रीय औसत से आगे निकला बिहार। बिहार के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने घर घर तक नल का जल पहुंचाने में राष्ट्रीय औसत से आगे निकल गया है। आपको बता दें कि पेयजल एवं स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय ने 2021-22 का ग्रामीण जलापूर्ति की क्रियाशीलता रिपोर्ट में बिहार सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक नल जल योजना का काम लगभग 99% पूरा कर लिया गया है। 97% घरों में शुद्ध पानी मिल रहा है और 84% परिवारों को हफ्ते में 7 दिन पानी दिया जा रहा है। यही नहीं, जल शक्ति मंत्रालय की रिपोर्ट में बिहार इस मामले में झारखंड, MP, ओडिशा, UP, उत्तराखंड से भी आगे है। उत्तराखंड में 82% घरों में नल का जल पहुंच रहा है।
बिहार में मिले कोविड-19 के महज 10 मामले। बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 10 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 154 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो बेगूसराय और मुंगेर में 3-3, गया और पटना में 2-2 कोरोना के मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 41,274 सैंपल की जाँच की गई है। इस दौरान 27 मरीज ठीक होकर घर भी वापस लौटे हैं। 5 करोड़ की मोबाइल चुराने वाला साधु बिहार से गिरफ्तार। 5 करोड़ की मोबाइल चुराने वाला साधु बिहार से गिरफ्तार किया गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश की पुलिस ने ग्रेटर नोएडा की एक कंपनी से 5 करोड़ रुपए के मोबाइल चुराकर भागे एक व्यक्ति को बिहार से पकड़ा है, जो कि बिहार में साधु के वेश में रह रहा था। आरोपी घटना के वक्त दिल्ली में रहता था, उसने वहां से अपना ठिकाना बदल लिया है। इसके चलते उसकी तलाश करना काफी मुश्किल था। वहीं वह अपने मूल निवास दरभंगा में रह रहा था। उस पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया और 25,000 रुपए का इनाम भी रखा गया था, लेकिन सफलता नहीं मिली। पुलिस को भी उस तक पहुंचने के लिए साधु का भेष धारण करना पड़ा, तब जाकर उसका सुराग लगा और बिहार के एक यूनिवर्सिटी के मंदिर से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। सरकारी नौकरी वाले बयान पर लालू ने मोहन भागवत पर बोला हमला। बीते दिन लालू प्रसाद यादव ने एक बार फिर से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को निशाना बनाया है, साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी को भी आड़े हाथ लिया है। लालू यादव ने मोहन भागवत के एक बयान को आधार बनाते हुए ट्वीट कर लिखा कि जब जब आरएसएस और बीजेपी अपनी ही बेफिजूल की बातों में फंसती है तो नफरत फैलाने वाले सज्जन बिना मांगे ज्ञान बांटने आ जाते हैं। दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में बुधवार को कहा कि रोजगार मतलब नौकरी और नौकरी के पीछे ही भागेंगे, वह भी सरकारी। अगर ऐसे सब लोग दौड़ेंगे तो नौकरी कितनी दी जा सकती है। निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर जदयू भाजपा आमने सामने। निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है। नगर निकाय चुनाव में अति पिछड़ों के आरक्षण को लेकर बीजेपी और जदयू आमने सामने हो गई है। इस बीच पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि पटना हाईकोर्ट के निकाय चुनाव पर आदेश के बाद चुनाव प्रभावित हुआ है, लेकिन कुछ लोग इसको भ्रामक बना रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2006 में कानून बनाकर आरक्षण देने की व्यवस्था की थी। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ने उसे सही बताया था, उसी एक्ट के जरिए चुनाव हो रहा था। इसके विपरीत ललन सिंह ने आरोप लगाया कि बीजेपी आरक्षण विरोधी है। बीजेपी नेताओं पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि बुद्धि बाजार में नहीं मिलता कि उनको दे दिया जाए, उसको ज्ञान की कमी है। पीके ने तल्ख लहजे में कहा, नीतीश जी कितना भी प्रलोभन दीजिए हम नहीं आएंगे। चुनावी रणनीतिकार और जन स्वराज के अध्यक्ष प्रशांत किशोर बीते 2 अक्टूबर से जन स्वराज पद यात्रा पर हैं। इस दौरान बीते दिन प्रशांत किशोर ने अपने तल्ख लहजे में कहा कि नीतीश जी को हमने कह दिया कि आप कितना भी प्रलोभन दीजिए हम आपके साथ नहीं आएंगे। उसके पहले प्रशांत किशोर ने कहा कि 10-15 दिन पहले मीडिया में खबर आई थी कि नीतीश जी अपने घर बुलाए थे और बोले, अरे भाई आप तो हमारे उत्तराधिकारी हैं, यह सब क्यों कर रहे हैं, आइए हमारे साथ हमारे पार्टी के नेता बन जाइए। इसके बाद बहुत लोग हमको गाली लिख कर भेजा, क्यों इनसे मिलने गए। इस पर प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश जी से मिलने इसलिए गए थे कि मिलकर उनको ये बता सके कि कितना भी बड़ा प्रलोभन दीजिएगा, जनता से एक बार जो वादा कर दिए हैं उसे पीछे नहीं हटेंगे। विजय चौधरी ने कोर्ट के फैसले को ठहराया गलत। निकाय चुनाव में ईबीसी के आरक्षण पर आए फैसले को नीतीश सरकार में वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने गलत ठहराया है। उनका कहना है कि यह अति पिछड़ा समाज के लोगों की हकमारी है। विजय कुमार चौधरी ने कहा कि बिहार सरकार ये कतई नहीं होने देगी, सुप्रीम कोर्ट में एचसी के आदेश के खिलाफ अपील की जाएगी, शीर्ष अदालत से फैसला हमारे हक में आने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि इस आरक्षण का प्रावधान 2007 में किया गया था, अब तक इस आधार पर 3 निकाय चुनाव हो चुके हैं, सबने देखा है कि किस तरह अति पिछड़ा वर्ग के पुरुष, वर्ग के महिला और पुरुष किस तरह आगे बढ़कर आए हैं। रोहित ने बताया क्यों टीम इंडिया बाकी टीमों से पहले जाएगी ऑस्ट्रेलिया। आगामी T20 वर्ल्ड कप 2022 को देखते हुए टीम इंडिया ने पहले ऑस्ट्रेलिया और फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज जीत कर टीम इंडिया 6 अक्टूबर को मिशन मेलबर्न के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना हो जाएगी। हालांकि पहले इतनी जल्दी जाने की योजना नहीं थी, लेकिन कोच राहुल द्रविड़ चाहते थे कि टीम ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पर कुछ ज़्यादा वक्त बिताए। इस दौरान कप्तान रोहित शर्मा ने इतनी जल्दी ऑस्ट्रेलिया जाने की वजह बताई। रोहित ने कहा कि टीम में 7-8 खिलाड़ी ऐसे हैं, मतलब आधी टीम जो पहले कभी ऑस्ट्रेलिया नहीं गई है, इसलिए हम चाहते हैं कि वह वहाँ थोड़ा वक्त बिताए और वहाँ के कंडीशन को समझे। आपको बता दें कि टीम इंडिया अपने वर्ल्ड कप अभियान की शुरुआत 23 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ हाई वोल्टेज मैच से करेगी।
भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भारतीय दंड संहिता कानून 1862 में पारित हुआ और 1 जनवरी से लागू हुआ। गणित व भौतिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करने वाले भारतीय वैज्ञानिक मेघनाथ साह का जन्म 1893 में हुआ। मथुरा के प्रसिद्ध संत कृपालु महाराज का जन्म 1922 में हुआ और जिन्होंने विख्यात प्रेम मंदिर का निर्माण करवाया था। भारत में 32 साल के सबसे लंबे समय तक अंपायरिंग करने वाले जीवन डी घोष का बंगाल में जन्म 1935 में हुआ था। प्रसिद्ध अभिनेता एवं राजनीतिक विनोद खन्ना का जन्म 1946 में हुआ। सिखों के सातवें गुरु हर राय का निधन 1661 में हुआ। क्रांतिकारी नाना साहेब पेशवा का निधन 1898 में हुआ। प्रसिद्ध भारतीय वकील नेता एवं पश्चिम बंगाल के 19वें राज्यपाल बी सत्यनारायण रेड्डी का निधन 2012 में हुआ। धान खरीद पर नहीं पड़ेगा खराब मॉनसून का असर, ये है वजह। इस बार मॉनसून में पर्याप्त से कम हुई बारिश की वजह से पूर्वी राज्यों में धान की खेती का रकबा घट गया है, जिससे पैदावार में कमी आने की आशंका है। इन सब के बावजूद भी खाद्य मंत्रालय ने चालू खरीफ सीजन में रिकॉर्ड 518 लाख टन चावल खरीद की उम्मीद जताई है। दरअसल धान की यह खरीद धान उत्पादक राज्य पंजाब और हरियाणा से ही हो रही है। हरियाणा में पिछले 3-4 दिनों में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर कुल 2.25 लाख टन धान की खरीद हो चुकी है, जबकि पंजाब में तकरीबन 20.40 हजार टन धान खरीदा जा चुका है। तमिलनाडु में 3.35 लाख टन धान की खरीद हो चुकी है। यहां किसानों की मांग पर सितंबर में ही खरीद शुरू कर दी गई है। क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भर पा रहे हैं तो तुरंत करें ये 3 काम। आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव लगा रहता है, इस बीच क्रेडिट कार्ड का बिल लटकना लाजमी है। मजबूरी में लोग क्रेडिट कार्ड का बिल भर नहीं पाते हैं, लेकिन यह तरीका ठीक नहीं, क्योंकि आपका क्रेडिट स्कोर या सिबिल स्कोर खराब होता है। अगर आप भी कभी ऐसी हालत में फंस जाएं तो एक बार बिल नहीं भरने की परेशानियों पर जरूर गौर कर ले। इससे बचना है तो कुछ ऐसे टिप्स पर गौर करना होगा जो आपको बैंक से राहत दिलाए। आइए ऐसे 3 उपायों के बारे में जानते हैं। पहला टिप्स मिनिमम रीपेमेंट का है। अगर क्रेडिट कार्ड का पूरा पैसा नहीं भर सकते हैं तो कम से कम मिनिमम रीपेमेंट अमाउंट जरूर भर दें। दूसरा उपाय बैलेंस ट्रांसफर का है। क्रेडिट कार्ड का बिल खतरनाक स्थिति में पहुंचे उससे पहले उसे ट्रांसफर कराने का फैसला कर लें। तीसरा उपाय सबसे सिंपल है, जब तक पुराना क्रेडिट बिल पूरा नहीं चुक जाए तब तक नया कोई बिल अपने माथे पर सवार ना होने दें। वायरल खबर में आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया की निगरानी के बारे में। सोशल मीडिया पर कई तरह की सूचनाएं वायरल होती हैं, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे सरकार द्वारा किए जाने वाले सोशल मीडिया और फोन कॉल की निगरानी के बारे में। दरअसल PIB ने अपने एक ट्वीट में कहा है कि एक मैसेज में दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार द्वारा नए संचार नियम के तहत सोशल मीडिया और फोन कॉल की निगरानी की जाएगी। PIB ने लिखा है कि यह दावा फर्जी है। भारत सरकार द्वारा ऐसे कोई नियम लागू नहीं किए गए हैं। ऐसी किसी भी फर्जी या अस्पष्ट सूचना को शेयर ना करें। LinkedIn इंडिया ने इंस्टाग्राम चैनल किया लॉन्च। लाखों लोगों को रोजगार की राह दिखाने वाले LinkedIn ने एक नया इंस्टाग्राम चैनल लॉन्च किया है। यह अभियान युवा पेशेवर को उन पेशेवर विषयों पर LinkedIn के साथ कंटेंट बनाने के लिए आमंत्रित करता है जिनकी वे सबसे ज़्यादा परवाह करते हैं। यह लॉन्च युवा पेशेवरों के साथ जुड़ने और उनके करियर में प्रगति के दौरान उनका समर्थन करने के कंपनी के प्रयासों का हिस्सा है। यह अभियान 10 अक्टूबर तक प्रविष्टियों के लिए खुला रहेगा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है शैलेंद्र विश्वास, मिस्टर आशीष, शबीर अहमद, निशा किरण, पवन कुमार पंडित, अमरनाथ सिंह, अशरफ नदीम, आकाश कुमार सिन्हा, आदर्श कुमार और अमरजीत कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि इंडिया क्रिकेट टीम के फिलहाल के प्रदर्शन को देखते हुए आपको क्या लगता है, वर्ल्ड कप T20 के प्रबल दावेदार हैं? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम खबर के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।